नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फिरोजाबाद नगर पंचायत मक्खनपुर में लोग जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश यादव। वेद प्रकाश जी, डेंगू के संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत एवं नगर पालिका में जल जमाव के साथ नालियों की साफ सफाई के बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी नगर पंचायत मक्खनपुर के नगला तुरकिया में जल भराव की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आसपास के लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जो शिकायत की गई है नगला तुरकिया की, वो बहुत बड़ा तालाब है और उसमें निकासी के लिए कोई स्थान नहीं है। अब हमने इससे पहले भी दो तीन बार पानी निकालने की कोशिश की थी, जो भी हमारे साधन थे पंप सेट आदि, तो उससे हमारा नहीं निकल पा रहा था। अब हमने परमानेंट उसमें मोटर फिट कर रखी है, अब पानी धीरे धीरे ही निकलेगा, जिससे सड़कों पर पानी नहीं आएगा, वो ओवरफ्लो होके सड़कों पर पानी आ जाता था। यादव जी, स्थानीय लोगों ने भेदभाव एवं दलित बस्ती होने के कारण अनदेखी के साथ साथ सरकारी पैसे का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह काम हुआ है। अभी मुश्किल से 6 महीना नगर पंचायत बने हुए हुई है, और वो जो आप जो तुरकिया की नाली की वो तालाब की बात कर रही हैं, वो उसमें कहीं निकलने के लिए स्थान नहीं है, पानी निकलने के लिए चारों तरफ से उधर रहने चाहिए, इधर बस्ती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़े थे अधिशासी अधिकारी। आपको बता दें कि मक्खनपुर का जो मार्ग बाईपास को जोड़ता है, डेंगू के कहर को देखते हुए जल भराव की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है। नगरवासियों का ईओ पर भ्रष्टाचार व दलित बस्ती होने के कारण अनदेखी का आरोप लगाया है और अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग की है। रमाकांत बजाज, जिला उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल मक्खनपुर, जनपद कस्बा मक्खनपुर, नगरा तुरकिया में बैंक ऑफ इंडिया के पीछे ये बहुत पुरानी कोबर है, तालाब है, और इस संबंध में जिला प्रशासन को और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसे कोई ध्यान नहीं देते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।